और यहां पर टाई ब्रेकिंग शॉट यानी कि किक फ्रॉम द पेनाल्टी स्पॉट और पहला किक यहां पर आरडीएस के तरफ से जर्सी नंबर 7 पर तैनात यह खिलाड़ी प्रधान मुर्मू सामने है गोलकीपर संजय बास के जीएस बोर्डविल के तरफ से पहला किक। अच्छी शॉट और गोल में तब्दील बिल्कुल कॉर्नर में बेहतरीन प्लेसमेंट यहां पे हुई है। अब कीपिंग के लिए जाते हुए पीसा लो रहा हूं आरडीएस 7 बॉयज के गोलकीपर और पहला किक लेंगे टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी गुरमीत मुखी 7 नंबर की जर्सी में। गुरमीत गेंद को सजाते हुए पहला किक होगा जीएस बड़बिल की तरफ से। और यहां पर सीधा सीधा शॉट गोल में तब्दील चतुराई के साथ गेंद को प्लेसमेंट किया और गेंद को गोल में तब्दील कराने में सक्षम यहां पर गुरमीत मुखी जर्सी नंबर 7 दूसरा की अब लिया जाएगा आरडीएस 7 बॉयज की तरफ से। कीपिंग में तब्दीली शायद और गुरमीत खुद पर भरोसा जताते हुए कीपिंग में तब्दीली किया है और निश्चित तौर पर प्रभास जी आज उनकी तकदीर है उनके साथ क्योंकि संजय जैसे एक बेहतरीन गोलकीपर के रेगुलर गोलकीपर को बदलते हुए खुद अपने आप पर इतना आत्मविश्वास पर देखते हैं क्या शॉट को रोक पाएंगे ये तो भविष्य पर छुपी हुई है। जी बिल्कुल 2 नंबर के जर्सी में टीम की तरफ से यह खिलाड़ी रमेश सामने रहेंगे गुरमीत गेंद को सेव करने के लिए। क्या गुरमीत रोक पाएंगे रमेश के शॉट को रमेश 2 नंबर के जर्सी में आरडीएस 7 बॉयज के खिलाड़ी और सेव किया है बेहतरीन एंटीसिपेशन लाजवाब और उम्दा प्रदर्शन करते हुए हालांकि खिलाड़ी चोटिल जरूर हुए लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब कि आपने दाएं छोड़ जाते हुए गेंद को रोकने में कामयाब यहां पर। अब दूसरा किक टीम की तरफ से बेटा जर्सी नंबर 24 जीएस बोर्डविल टीम के खिलाड़ी एमएनएफसी आप मैदान में इंटर जाएंगे लूजिंग फाइनल मैच के लिए। एमएनएफसी आप मैदान में इन करेंगे लूजिंग फाइनल मैच खेलने के लिए। अगर आप मैदान में प्रवेश नहीं करते हैं तो आपको चौथा पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल बेटा यहां पर तैयार किक लेने के लिए जस्ट नंबर 24 और सामने है 20 साल। जोरदार की गोली के रफ्तार से गेंद को प्रेस किया और गोल के गोल में तब्दील होता हुआ जीएस बोर्डविल टीम के सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी तीसरा किक लेने के लिए तैयार रहेंगे यहां पर आरडीएस 7 बॉयज। जी बिल्कुल इसके पश्चात और 2 ही गेम रह गई है एक है लूजिंग फाइनल और लूजिंग फाइनल का मुकाबला खेलने के लिए जल्द से जल्द तैयार होके मैदान में इन कर जाएंगे एमएनएफसी। एमएनएफसी टीम के कप्तान से गुजारिश करना मैदान में इन कर जाएंगे साथ ही साथ ग्रैंड फिनाले का मुकाबला खेलने के लिए तैयार रहेंगे त्रिनाथ क्लब काशिया। यहां पर जर्सी नंबर 21 पर टीम की तरफ से यह खिलाड़ी किक करने के लिए तैयार आरडीएस 7 की तरफ से सामने है गुरमीत।
अच्छी शॉट गोल में। यहां पर लास्ट जब बीट और बेहतरीन प्लेसमेंट, तीसरा किक लिया जाएगा यहां पर बोसियन कदमों को बढ़ाते हुए पेनाल्टी स्पॉट की दिशा में गेंद को सजाएंगे, किक लेंगे अपने टीम की तरफ से जर्सी नंबर 70 यानी कि 70 बोसियन मुर्मू। और ये खिलाड़ी भी संतोष ट्रॉफी खेल चुके हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूंगा। ये तीसरा किक बोसियन के द्वारा, सामने है विशाल और ग्रांडेड की गोल में तब युवा खिलाड़ियों के लिए मैं कह देना चाहूंगा, अगर आप गेंद को ग्राउंडेड रखेंगे तो गोलकीपर के लिए बहुत ही दिक्कत होगी उसको रोकना, क्या कहना चाहेंगे खोनो? जी हाँ बिल्कुल, टॉप और या फिर बॉटम, ये दो स्थान ऐसे हैं जहां पर गोलकीपर को पहुंचने में ज्यादा समय लगती है। और बिल्कुल जमीनी शॉट जो आसान होता है स्ट्राइकर के लिए, उन्होंने वही शॉट को आजमाए और अपना टीम को एडवांटेज इस वक्त देने में कामयाब हुए हैं जीएस फुटबॉल। और यहां पर रोशन चौथा की 8 नंबर की जर्सी में गोल में तब्दील, लास्ट जवाब प्लेसमेंट रोशन। एक बेहतरीन खिलाड़ी है, मैच का पहला गोल भी उन्होंने दागा था और यहां पर गोल में तब्दील। फिलहाल यहां पर किक लेने के लिए जाते हुए टीम के गोलकीपर संजय, गोलकीपर और गोलकीपर के बीच में यहां पे संघर्ष होगी, किक लेंगे संजय, सेव करेंगे विशाल, क्या यहां पर संजय गोल दागने में सक्षम होंगे या फिर गेंद को रोकने में सक्षम होंगे विशाल? उसी समय के पश्चात आज के मुख्य अतिथि इस मंच पर मंचासीन हो गए, मैच का लुफ्त उठाने के लिए फाइनल मैच में यानी कि ग्रैंड फिनाले मैच में पहुंचेंगे। यहां पर संजय के लिए तैयार, सामने है विशाल और यहां पर गोल में तब्दील। चार में से चार गोल दागने में कामयाब और ये किक निश्चित रूप से नेट में जानी चाहिए ताकि और एक किक के लिए हमें इंतजार करना पड़े। जी हाँ बिल्कुल, एक शॉट को रोकने में कामयाब हुए हैं गोलकीपर जीएस बड़बिल की। जो भी टीम हारेंगे आप मैदान, आपको आग्रह किया जा रहा है आप जल्द से जल्द मैदान में इनकर जाएंगे। और यहां पर तैयार विशाल किक लेने के लिए, सामने गुरमीत, अंतिम किक भाई गौड़, यहां पर मौका जरूर था उनके लिए। गोल में तब्दील, आप शायद आरडीएस के तरफ से भी कीपिंग में तब्दीली हो रही है। जी बिल्कुल, और पांचवा किक, पांचवा किक के लिए यहां पर धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए जर्सी नंबर 35 में राजू। अच्छा मां चाहेंगे राजू 45 में, एमएनएफसी एमएनएफसी टीम रो कैप्टन को अनुरोध करी से यथाशीघ्र पड़िया मध्य प्रवेश कर जीवे। पांचवा की गोल में तब्दील और इसी के साथ ग्रैंड फिनाले।
सफर को तय किया जीएस फोर्टविल की टीम, मैन ऑफ द मैच।